सभी दिया में तेल डाल दिए, अब चलो जलाते हैं दिया। एक माचिस की तीली से कितना जला पाते हैं? सारा दिया जला लिए हम लोग दोस्तों, और ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। कृति को देखो एकदम मस्त मगन है, कितना गजब लग रहा है, देखो कितना प्यारा लग रहा है। हेलो दोस्तों, नमस्ते, आप सभी का स्वागत है एक नए व्लॉग में। दोस्तों अभी सुबह का वक्त है, गुड मॉर्निंग बोल दे कृति। क्या खा रही है? गंजी। ये देखो मामा अपने झंडा। आज है दोस्तों 21 जनवरी यानी कि कल 22 जनवरी को हमारे प्रभु श्री राम जी की अयोध्या नगरी में राम मंदिर का उद्घाटन। ये चीज सोच के ही अलग खुशी महसूस हो रही है। सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम। जय सिया राम। ओ बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। लाना ये ऊपर लगा दे पेड़ में, ला पेड़ में लगा दूं। ये अगला दिन है 22 जनवरी। अभी हम सब दोस्तों यहाँ पर सुबह कौड़े के सामने बैठे हुए हैं, आग सेक रहे हैं सबको ही। नारो लाला नारो, ए अदिति नारो लाला। अदिति काहे रो रही है? बेचारी रो रही है देखो आने के लिए यहाँ पर। अभी हम दीदी आए हैं अपने गांव के मंदिर पर, और दीदी आई है अपना पूजा पाठ करने, और जो मंदिर की देख रेख करते हैं ना वो हमारे परदादा के पटदार हैं, एक तरह से हमारे बड़े पापा लगे वो। और हमारे यहाँ जो ये मंदिर है ना, इसके अंदर जो मूर्ति है ना कसम से बहुत सुंदर लगती है। लेकिन अभी वो चले गए हैं क्योंकि कुछ सामान वगैरह लाना था। आज 22 जनवरी है, और 22 जनवरी को क्या है आप सभी को बताने की जरूरत है, ये नहीं है। और हम लोगों के यहाँ दोस्तों 3-4 मंदिर है, ये शनिदेव जी की, वो महादेव जी की, राम लक्ष्मण सीता जी और देवी जी, और एक देखो यहाँ पर एक बन ही रहा है। हम लोग अभी अपने घर आ चुके हैं, लेकिन दोस्तों एक चीज को लेकर ना हमको बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है। मतलब अंदर से एकदम बुरा महसूस हो रहा है ना कि हम बता नहीं सकते शब्दों में। लोग परदेश से, यहाँ तक कि विदेश से अयोध्या में आ गए। हम यही बगल के यूपीए के होके 100 किलोमीटर दूर है हमारे यहाँ से अयोध्या, हम नहीं अयोध्या जा पाए। मतलब क्या बताए, इतना बुरा महसूस हो रहा ना कि 3 दिन से हम एकदम पूरा टेंशन में है, कसम से बता रहे हैं। कल और परसों हमने ट्राई किया जाने का, लेकिन दोस्तों बात यह है कि हमारे यहाँ से 40 किलोमीटर दूर बस्ती नाम का एक जगह पड़ता है, वहाँ से उसके आगे जाना अलाउ ही नहीं है नॉर्मल पर्सन के लिए। अब फंस गए हैं हम बहुत पछता रहे हैं कि नहीं जा पाए, हमको एक हफ्ता पहले जाना था, ऐसा सोच रहे हैं, यही हो रहा है दोस्तों। बहुत मतलब अंदर से बहुत बुरा महसूस हो रहा है कि हम अयोध्या नहीं जा पाए। और ये देखो अम्मा गई थी गांव में तो दिया हुआ लाई है। ये दिया कच्चा पान है बाबू, नहीं पका पका हुआ दिया नहीं मिल पाया क्योंकि दोस्तों बादल वादल है ना तो, और ठंडी है, दिया हुआ जलेगा आज बढ़िया से एकदम, दीपावली मनेगा। दोस्तों अभी रात हो चुका है और 7 बज चुके हैं, और अम्मा सुबह में दोस्तों ये देखिए दिया लाई थी, तो अभी हम लोग दिया जलाएंगे। सारा दिया में हम लोग बाती लगा दिए, और ये देखिए तेल डालना शुरू कर दिए अम्मा। इतना हो गया, अब इतना बचा इसमें भी डाल देते हैं, और उसके बाद दिया जलाते हैं एकदम बढ़िया से। हाँ उसमें भी डाला जाएगा उसमें भी। सभी दिया में तेल डाल दिए, अब चलो जलाते हैं दिया। एक माचिस की तीली से कितना जला पाते हैं दिया, रुको देखते हैं। वो तो बड़ा नहीं, ये तो बहुत जा रहा है। ये क्या जली बड़ा था, जली जली। हाँ हाँ रुक जा रुक जा। सारा दिया जला लिए हम लोग दोस्तों, और ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। आकृति अब दिख रहा ना बढ़िया एकदम, अच्छा लगा था लाला। चलो अब हम लोग रखते हैं दिया एक एक जगह पर। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।
आकृति रखेगी रखेगी, रखने के लिए रो रही है। चलो लाइन से रखो। चल गिरती आराम से। सारा दिया को दोस्तों एकदम घर में मस्त सजा दिए, और ये देखो एकदम प्यारा लग रहा है। अब देखो कितना प्यारा लग रहा है। आकृति को देखो एकदम मस्त मगन है, कितना गजब लग रहा है। देखो कितना प्यारा लग रहा है। बहुत ठंड है। बाप रे बाप, ये दीदी है बड़े पापा की बिटिया, और ये रही दीदी छोटी दीदी बड़ी दीदी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पूरी वनराज छोटा बड़ा भंडारा है आज। अच्छा, उद्घाटन में भंडारा है। दीदी पूरी बना रही है आज, पूरी सब्जी बनत है। उतना सारा पूरी बन गया है और आकृति तो खाए जा रही है बेचारी। ये देखो आज सब्जी बनने वाला है, यही टमाटर गोभी मटर का दाना आलू बहुत सी चीजें मिक्स है। मसाला पीस के रखी और ये रहा मसाला। होगी दीदी खाना अभी? नहीं सब होएगा, पूरी सब्जी भर रही है। बाप रे भूख लग गया है ना। पूरी हो गई 10 मिनट और बोल जाता है। पूरी हो गया, बस सब्जी होना बाकी है। बात हो गई। तो दोस्तों अभी खाना पीना कर चुके हैं और चल रहे हैं अभी सोने। और एक चीज का तो सच में अफसोस रहेगा कि 22 जनवरी को हम अयोध्या नहीं जा पाए राम मंदिर उद्घाटन में। कसम से बहुत बुरा लग रहा है, मतलब हम बता नहीं सकते आप सभी को। और 3 दिन से काफी मतलब टेंशन में है हम। मैं सही बता रहा हूँ, बताते हुए हंसी आ रहा है। घर वाले बोल रहे हैं कि क्या हो गया, चेहरे का रंग कैसे उतरा हुआ है, क्या बताए, मतलब बहुत बुरा लग रहा है। 20 तारीख से ही बंद हो गया था उधर जाने का रास्ता ही। हम लोग के इधर 40 किलोमीटर जो पड़ता है बस्ती, उसके आगे जाने का अलाउ नहीं था नॉर्मल पर्सन के लिए, इसीलिए नहीं जा पाया। नहीं तो हम बहुत सोचे थे दोस्तों कि हम जाएंगे, अपना घूमेंगे, दर्शन करेंगे और भी बहुत सी चीज़ों को आप सभी को दिखाएंगे, खुद भी देखेंगे, मज़ा आएगा। लेकिन नहीं देख पाए। खैर अभी इसके बाद जाएंगे, इसके बाद जब रोक टोक बंद हो जाएगा तो उसके बाद जरूर जाएंगे। ये ब्लॉग भी मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा छोटा है, उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा आप लोग। और हम इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप सभी को कुछ भी पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप लोगों से मिलते हैं हम अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।